हेलो फ्रेंड्स, ये लॉकडाउन के टाइम में अक्सर करके बच्चों को रात को नींद नहीं आती है, टाइम नहीं कटता है। तो कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है कि बच्चों के लिए मैं कुछ बनाऊं। तो मैं अपनी रसोई की तरफ से ये पराठा जो है ना, वैसे तो हम हर तरीके से बना लेते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपल भी होता है, कई लेयर का भी होता है, अजवाइन का भी होता है, चॉकलेट का भी होता है। लेकिन मैं अपने तरीके से जैसा मुझे ठीक लगता है, अगर आपको पसंद आए आप इसको देखें। मैंने ये लोई इसकी बोल बेल ली है, इसके बाद मैंने इस पे ऑयल लगाया है। ऑयल अभी ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा बस इतना लगाना है कि पूरे में हो जाए। इसके बाद मैं थोड़ी सी हींग लूँगा, और हींग हल्की सी लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। और इसको लोई के ऊपर हल्का सा, तो ज़्यादा अगर लगाएंगे तो फिर ये कट भी हो जाएगी। और मैं हींग इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि रात में जब खाना खाते हैं तो जाहिर है पेट खराब हो ही जाता है, लेकिन हींग से पेट भी ठीक रहता है का स्वाद भी आता है। इसके बाद मैं इसमें, देखिए आप देखिए, ये कैच का चाट मसाला आई विल यूज फॉर द टेस्ट, और इसको भी ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और इसको फिर हम इसको ऐसे आमतौर पर हम इसको सीधे लेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर कई लेयर का बनाना है तो एक नाइफ लेकर के काट के मैं इसको राउंड अप करूँगा, पूरा कंप्लीट। बस ये ध्यान रखिएगा ऑयल कम हो, अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये ऑयल बाहर निकलेगा। अब ये देखिए थोड़ा लेंदी हो गया, बट डोंट वरी। हाँ, ये ज़रूर है कि लेडीज़ की वजह से, लेडीज अच्छा बनाती हैं, लेकिन मेरे से बिना परोसने के ज़्यादा नहीं बनता, मैं थोड़ा ज़्यादा लगाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा हम लेंदी कर लेते हैं। लेंदी करके इसके ऊपर फिर हम एक लेयर और चढ़ाते हैं, और उसमें भी ऑयल का ज्यादा यूज नहीं करना है। ये आपकी तीन लेयर हो गई। तीन लेयर के बाद अब मैं इस पर चौथी लेयर चढ़ाता हूँ। जब मैं इसकी पांचवी लेयर करूंगा तो यह एकदम स्क्वायर साइड में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा परोथन लेकर के मैं इसको गोल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसको गोल करना भी जरूरी नहीं है। साइज जैसा भी हो, पराठे का स्वाद अच्छा आना चाहिए, और मेरे दोनों बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है। वैसे तो सारा यूट्यूब का मैसेज ही करती हैं, लेकिन बस कभी कभी मेरा मन कर जाता है तो मैं बच्चों के लिए बनाता हूँ, एंड आई लाइक इट। ये पराठा थोड़ा सा मोटा, ठीक है ना, और हेल्दी भी होगा, पेट भी खराब नहीं होगा। थोड़ा सा मोटा रखना है, और साइज का इसमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस इतना हो गया। अब इसको, पराठे को मैं आराम से ऐसे करके, ये जब मैं बैचलर था उस समय अपने लिए बनाता था, नाउ कम टू। अब मैं इसको तवे पर डाल दूँगा। तवे पर डालने के बाद ये ध्यान रखें गैस को थोड़ा, मतलब रेडिश टाइप का रहना चाहिए ताकि जले ना, और थोड़ा जल्दी इस पे ऑयल लगाना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड जल सकती है। और उसके लिए आप हल्का सा तेल अगर नीचे डाल देंगे तो ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए, ये भी देखो वाइट रहा, जलेगा भी नहीं। ये मेरा अपना तरीका है, आपको जैसा भी लगे, और जहाँ तक है अच्छा ही लगेगा। अब आप देखेंगे जब इसको हल्की आँच पे
सेकना है। अब इसमें लेयर कई एक हैं तो ये मोटा हो जाता है तो अंदर तक ऑयल नहीं जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे करके इसमें हल्के हल्के, फूलना कोई जरूरी नहीं है लेकिन ऑयल हर जगह पहुंचना चाहिए। इससे क्या है, पराठा आपका अंदर से कच्चा नहीं होगा और थोड़ा क्रिस्पी भी रहेगा। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो थोड़ा सा जहाँ जहाँ भी आपको ऑयल की ज़रूरत है, बस ये ध्यान रखिएगा इसको हल्की आंच पर ही सेकना। देखिए अभी जला नहीं है लेकिन ये पूरा ही जैसे क्रिस्पी टाइप का होता है उस तरह से बनेगा। आप देख सकते हैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और कलर भी इसका ऐसा है कि ये जलने को नहीं है। अब इसकी आंच को बंद कर देते हैं। बंद आंच पे थोड़ी देर इसको जब हम रखते हैं तो ये जिसे बोलते हैं कुरकुरा, उस टाइप का वो पराठा बनता है। और मेरे परिवार में मेरे दोनों बच्चे एंड माय वाइफ, वो तो एक यूट्यूबर है तो आपने देखा, आप भी इसको इस तरीके का इस्तेमाल करें। ऐसे मौसम में जब घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम घर के बाहर किसी जगह नहीं खा सकते, लेकिन हम एक इनोवेटिव कुछ बना करके हम दे सकते हैं। अब मैं एक प्लेट लेता हूँ। देखो दोस्तों, जैसे होटलों में तीन पीस में करते हैं, हम इसको तीन पीस में काट लेते हैं और ये थोड़ा गर्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पेपर कोई भी पेपर ले सकते हैं। ये देखिए जब आप इसको कट करेंगे तो तीन पीस में जिस तरह से नान बनता है, इस तरह से ये तीन पीस में अलग अलग बन जाएगा। और इसको आप ऐसे अचार के साथ, सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू।